हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग विद सपना। सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो जी हाँ, जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था, जो क्लीन द रूम वाली वीडियो थी उसमें भी आप हमें बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि आज इसकी क्लीन द रूम वाली नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ बातें होने वाली हैं, तो वो बातें क्या होने वाली है वो मैं अभी आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। सो बेसिकली ये जो है कमेंट बेस्ड एक वीडियो है, जिसमें कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट्स को पे मैं जवाब दूंगी। तो हाँ, मम्मा रावे मेरे पास ही है, लेकिन जवाब मैं दे रही हूँ, रिप्लाई मैं कर रही हूँ। तो अभी सबसे पहले कुछ नेगेटिव कमेंट्स देख लेते हैं, फिर चलेंगे अपने पॉजिटिव और प्यारे प्यारे लवर्स पे। सबसे पहले थोड़े से हेटर्स पे चलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, साइड में मैं आपको कमेंट्स दिखाती रहूंगी जो रिटर्न है, विद नेम बताऊंगी कि किस किसने क्या क्या लिखा है हमारे लिए प्यारे प्यारे। और हाँ, जिनके मैंने बोलती हूँ मैं कमेंट्स पिन कर दूंगी, उनके पिन कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, पिन कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि जो व्लॉग में सपना बोलती है वो करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं शुरू करती हूँ अपने फर्स्ट कमेंट के साथ, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। सो फर्स्ट कमेंट है सौरभ 6789 का, कि एग्जाम प्रिपरेशन वाले रावे के व्लॉग में मैसेज उन्होंने करा है कि जाओ व्लॉग बनाना सीख लो। पहली बात तो जाओ व्लॉग बनाना सीख लो होता है, तो अपनी थोड़ी टाइपिंग ठीक कीजिए, ठीक है। और जो आप लिख रहे हैं प्लीज व्लॉग बनाना सीख लो, तो एक बार ना कैमरे को, फोन को अपने हाथ में पकड़ के देखो, बना के देखो वीडियो कैसी बनती है, फिर मुझे आगे बताना कि कैसे वीडियो बनती है, ठीक है। दो घंटे लगेंगे ना जब तब हाँ। पता चलेगा कि कैसे फोन पकड़ा जाता है, कैसे व्लॉगिंग की जाती है, कैसे एडिटिंग की जाती है। बातें करनी बहुत ही आसान है जब व्लॉग बनाते हैं, जब पता चलता है। लिखने में, टाइपिंग करने में बहुत टाइम नहीं लगता, फटाफट हो जाता है ये काम तो। और लवर्स तो हमें प्यार दे रहे हैं, पर ये जो हेटर्स हैं उनको जवाब देना जरूरी है। तो पहले आप सीखो व्लॉग बनाना, अगर आपने आज तक कोई वीडियो बनाई तो मुझे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, फिर मैं देखूंगी कि आपकी वीडियो कैसी है। तो सेकंड कमेंट इन्हीं का है जो आपको साइड में दिख रहा होगा, सौरभ 6789 का। महक पागल है, आप तो बड़े समझदार है ना, जैसे मतलब आपने तो बड़ी PhD कर रखी होगी। महक पागल होकर भी इतने व्लॉगिंग कर रही है, इतना प्यार सबका ले रही है, आप क्या प्यार ले रहे हो? अब तो हमारे व्लॉग में ही हेटर ले रहे हो और लोग भी आपको इतनी हेट करेंगे अब कि आप इतने इतने अच्छे कमेंट कर रहे हो, वाओ, इसके लिए तो सलूट है आपको। जब मतलब कोई बंदा सक्सेस चाहता है ना, तो सामने से उसे सपोर्ट कम मिलता है, लेकिन जो करते हैं उन्हें हम पूरे प्यार करते हैं, जो हमारे लवर्स है। और मैं अच्छे अच्छे कमेंट जरूर पढ़ूंगी, तो आप अच्छे अच्छे वाले लोग हमारे लिए रुके रहना। और आई नो कि जो हमारे लवर्स हैं वो जरूर इस वीडियो को अग्री करेंगे, जो जो हमने जवाब हम दे रहे हैं। तो पहली बात तो जो आप मैसेज कर रहे हो वो करना बंद कर दो, उससे हमें कुछ डिमोटिवेशन नहीं होगी, क्योंकि मोटिवेशन करने वाले हमें बहुत बैठे हैं, ठीक है। तो वीडियो बनाना पहले आप सीखो, और मैं कितनी पागल होकर भी यहाँ तक आई है, तो थैंक यू सो मच फॉर। हमारे एक दो मैसेज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें प्यार करने वाले हमारी फैमिली यूट्यूब बहुत है। हाँ, ये एक दो मैसेज से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो और तीन चार कर दो, बल्कि अच्छा है, हमारे कमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो अब सेकंड है ये आरुष यादव गॉड, ठीक है, नाम के पीछे तो यादव आता है, पर यादाश कमजोर है, सही बात, यादव की, ठीक है। तो ये एग्जाम प्रिपरेशन वाले व्लॉग में ही बहुत सारे कमेंट्स आए हैं ऐसे ही, आई होप वही सौरभ ही ना हो कि अलग अलग आईडी से कर रहा हूँ, बट ये किसने लिखा, इसे व्लॉग कहते हैं, मतलब व्लॉग बना के ना उसका लिंक डाल देना, हम देख लेंगे व्लॉग कैसे, व्लॉग किसे कहते हैं, ठीक है, व्लॉग किसे कहते हैं, तो हम भी थोड़ा सीख लेंगे, या हमें क्लास दे देना, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लेंगे जरूर, जितने पैसे हम लेंगे भी, हम शेयर भी करेंगे यूट्यूब पे, अपने चैनल पे भी, इन्होंने हमें सिखाया लोग किसे कहते हैं। अगर आप अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं तो बुरे भी मत करो, और अगर कर भी रहे हो और वीडियो भी हमारी देख रहे हो तो मैसेज भी हमें कर रहे हो, हमने आपको फोर्स तो नहीं करा ना, जो हमारे प्यार करने वाले वो देखते हैं वीडियो, छोड़ दो, अगर नहीं अच्छे लग रहे, नहीं आपको व्लॉग समझ आ रहा तो छोड़ दो, कोई कोई कंपलसरी नहीं है कि देखने ही है आपने, बहुत सारे बैठे हैं हमारे यूट्यूब फैमिली, बहुत प्यार करते हैं यूट्यूब फैमिली, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे तो हमारे लवर्स की वजह से ही पहुंचे हैं। और साथ साथ मैं आपको कमेंट्स दिखा भी रही हूँ, साइड में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कमेंट्स आ रखे हैं, प्यार करने वाले यार प्यार करते रहो, कमेंट्स करते रहो, ऐसी हमारी वीडियोस पे चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन ये वाली वीडियो बनानी जरूरी थी, क्योंकि कुछ लोगों को जवाब देना जरूरी होता है, वरना वो बढ़ते रहते हैं, तो फिर ऐसे हमारे YouTube पे कुछ इफेक्ट ना पड़ जाए। तो इन्हीं ने, महाराज जी ने, सौरभ ने एक और मैसेज कर रखा है, वीडियो बनाने सीख लो, ये मम्मा के शॉर्ट्स पे जो मैं आपको याद दिखा रही हूँ, एक शॉर्ट्स है, अरे यार ज्यादा हमसे ना जलन हो रही है कुछ। हाँ, मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप ब्लॉग चैनल मत खोलो, आप मत देखो, आपके एक व्यू एक लाइक से हमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। प्यार करने वाले बहुत है, बहुत सारे लाइक देते, बहुत सारे कमेंट्स देते, काफी है हमें वो, तो आप कृपया करके ना ही बोले तो अच्छा है। और आरुष यादव ने और भी दो तीन कमेंट्स कर रखे हैं पिछली वीडियोस पे,
कि वीडियो बनानी सीखो, इसे व्लॉग कहते हैं, ये कहते हैं, तो प्लीज बस करो हमें, आप मत सिखाओ व्लॉग किसे कहते हैं, क्योंकि हमारे लवर्स को पता है कि हमारे व्लॉग कैसे हैं और व्लॉग किसे कहते हैं। और आप व्लॉग बना के हमें प्लीज लिंक शेयर कर दो। हाँ, हम देखेंगे जरूर, और हमारे लवर भी देखेंगे कि व्लॉग कैसे बनता है, फिर पता चलेगा व्लॉग कैसा होता है। नहीं आता हो आपसे सीख लेंगे थोड़ा बहुत, फिर पता चलेगा व्लॉग कैसा होता है। एक बार कैमरा तो हाथ में लेके देखो, कैमरा ले दी पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, एक जगह कोचिंग लेनी, ट्यूशन लेनी, और एक जगह यूट्यूब को हैंडल करना। यूट्यूब मम्मा के हैंड में होता है, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूट तो बच्चों को भी करना होता है। अच्छा है यूट्यूब चलाना, क्योंकि लवर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट ये जो कुछ हेटर्स होते हैं ना, जिसमें कुछ होता है कि हाँ यार ये बढ़ कैसे रहे, नहीं देख सकता किसी को सक्सेसफुल होते हैं, नहीं देख सकता कोई, तो ये कुछ होते हैं जो लाइन बना के पीछे पीछे आ जाते हैं, वो करना बंद कर दो, ठीक है। और व्लॉग बनाना किसे कहते हैं, वो व्लॉग में दिखता है हमारे कि व्लॉग किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप हमें मत बताओ व्लॉग किसे कहते हैं, या व्लॉग बनाना सीख लो, सिखाना चाहते हो तो मेंशन कर देना अपनी स्टोरी, अपनी कोई इंस्टा आईडी, हम जरूर कॉन्टेक्ट करके सीख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्यारे प्यारे लवर्स पे, जिन्होंने कमेंट किया था, और आज इसी वीडियो में घोषणा होने वाली है सरप्राइज वाले बंदे की, जिसे क्लीन द रूम में मिलना था, जो कि है मेन जज मम्मा। तो चलो मैं प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ आप सबके लिए, जो कि मेरे प्यारे प्यारे बंदों ने रखे। तो फर्स्ट कमेंट है, मतलब इन्होंने कुछ नाम नहीं लिखा है, क्यूजिक्सो फेक्स यू ऐसे कुछ लिखा हुआ है, 3415 है, लेकिन पीछे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो उन्होंने रेट किया है राव्या के बैग को 8.5 एंड मेरे बैग को किया है 9.75। थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया, लव यू। हमें प्यार देते रहे, ऐसे हमें कमेंट करते रहे, तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उनको साइड पे थोड़ा छोड़ते रहे। सो सेकंड कमेंट है यश हर्षिता व्लॉग्स का, यश हर्षित व्लॉग्स का, राव्या को उन्होंने दिया है 9.1 एंड मेरे को उन्होंने आई थिंक 9.75 दिया है। तो थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट है जिया चन्ना, जिन्होंने लिखा है मैग दीदी के हैं 10 out of 10 एंड राव्या के 9 on 10। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा ध्रुव लूथरा, जिन्होंने लिखा है नाइस पिक, थैंक यू सो मच। और साहिल मेहरा 5545 ने, जो हमने पूछा था सरप्राइज बैग चेक में कि वो ब्लू वाली बॉटल जैसा कुछ दिखने वाला है, वो क्या था, तो साहिल जी ने हाँ सही बताया है कि राव्या के बैग में अम्ब्रेला है वो ब्लू वाला। सो यू गेस्ड इट राइट, क्लैप फॉर यू एंड वेरी गुड, थैंक यू सो मच हमें कमेंट करने के लिए, हमें प्यार देने के लिए इतना सारा। और अब जिस हिसाब से हमारी रेटिंग्स आई हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आपको पता चल ही रहा होगा किसकी रेटिंग ज्यादा है। तो मेरी रेटिंग बैग चेकिंग में ज्यादा है, मेरे बैग को ज्यादा वोट मिला है। सो मम्मा, आप सबसे पहले बता दीजिए क्लीन द रूम में जो है कौन विन हुआ है, और क्या आप किसे देना चाहेंगी, और वो वीडियो अलग बनाए या इसी में कर दें कुछ तड़का सा। फ्रेंड से पूछो, अभी कमेंट एक दो और आ जाए तो। चलो फ्रेंड्स, आप कमेंट करो, क्योंकि मम्मा कंफ्यूज हो गए, रिजल्ट सेम चल रहा है दोनों का, मेरे लिए तो दोनों का इक्वल आ रहा है। हाँ। आप बता सकते हो, यहाँ फोटो जो इन्होंने लगा के आपको दिखाई है बिफोर आफ्टर, उसमें आप बता सकते हो कौन सा रूम अच्छा है, महक का रूम। जल्दी से कमेंट करके बता दो, फिर आपके रिजल्ट से ही हम चलते हैं। और हेटर्स को मैं यही कहना चाहूंगी, हाँ हेट करते रहे, क्योंकि लाइफ में भी देखते रहे, पूरा देखें, बहुत टाइम बढ़े, ठीक है। और जो हेट है ना, वो भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी बढ़ाते रहे अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर बढ़ाते कुछ नहीं जा रहा। आप जलते रहे, आप जलते रहे, हेट करते रहे, प्यार करने वाले प्यार करें, हम भी उन्हें प्यार करते हैं। लव यू सो मच, 6K तक हम पहुंचे हैं सिर्फ लवर्स की वजह से, लव यू सो मच। और आई होप हेटर्स भी जो है ना, लवर्स मतलब जो दूसरा उनके नेबर हो, कोई फैमिली मेंबर हो, उन्हें ये बताते होंगे यार इसका व्लॉग देखियो, ये कैसे करते हैं, तो यार वहां से भी हमें लव ही मिलेगा, क्या पता उसे हम पसंद आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जल्दी से बताओ और कौन सा व्लॉग डाले, जैसे आपने हमें कमेंट में बताए हैं रिजल्ट विन के, और ऐसे इसका भी रिजल्ट बताओ, क्लीनिंग का भी, और नेक्स्ट व्लॉग बताओ हम कौन सा डालें, 24 आवर्स या कोई चैलेंज या कुछ। और इस व्लॉग में ये बता देना कि कौन फाइनली बने सरप्राइज का विनर, एंड किसको मिले वो ब्रश पेंस, उसका कमेंट मेरे पास नहीं आया, ठीक है, तो इसमें कर देना। बाय, लव यू, बाय बाय।